got me reaching out, and do you see you got me falling? हे गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज के नए व्लॉग में मैं आपके लिए आया हूँ भाई वोल्वो की XC90। और ये आपका जो है B6 इंस्क्रिप्शन मॉडल है भाई, काफ़ी ज़्यादा शानदार। देखो फ्रंट आपको इसमें मिलता है, फ्रंट लाइट से शुरू करेंगे और यहाँ देखोगे LED आपको DRL मिलती है, LED आपको यहाँ पर सब यूनिट मिलती है भाई, काफ़ी तकड़ी है। फ्रंट में आपको बड़ी सी ग्रिल मिलेगी और यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है और अडास फंक्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया है गाड़ी के अंदर। जब से XUV700 आई है तो अडास कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है, पहले लोगों को पता भी नहीं होता था। और इसमें हेडलाइट वॉशर भी आपको मिल जाता है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के साथ। एंड गाइस, ये हैं आपके 20 इंचिस के एलॉय व्हील्स, सिंगल टोन में हैं। थोड़ा ब्लैक अगर होता या फिर ड्यूल टोन यूज़ होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती। और यहाँ देखोगे भाई ORVM आपको टर्न इंडिकेटर के साथ मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको कैमरा भी मिल जाएगा जो कि आपका हेल्प करता है लेन असिस्ट के लिए। तो इंटीरियर के लिए देखो भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसका, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंटीरियर मेरे को लगता है। और टच रिस्पॉन्स के साथ यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं। और रियर प्रोफाइल चेक करोगे तो भाई XC90 की यहाँ पर बैजिंग आप देख लो और LED आपको टेल लैंप्स मिलते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको स्कॉर्पियो की या फिर किसी और की याद तो नहीं आ रही, वैगनार की, बट ऐसा नहीं है। ये लाइट्स का जो स्टाइल है ये वोल्वो ने ही शुरू किया था। और यहाँ आप ये देख सकते हो आपके यहाँ पे रियर डिफोगर, वॉशर एंड वाइपर सब कुछ आपको अवेलेबल है। यहाँ से आप अपना डीजल भरवा सकते हो। कितना प्रीमियम लग रहा है डीजल भरने का भी, मतलब जो डीजल भरेगा उसके भी बल्ले बल्ले हैं। और ये देखो भाई, डोर खोलते हैं रियर वाला, यहाँ पर आपको ब्लाइंड्स मिल जाती हैं और यहाँ पर आपको टैन कलर में इंटीरियर मिलेगा सारा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको टैन अच्छा लगता है या बेज कलर का अच्छा लगता है, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। इसमें आपको मिलते हैं बावर्स एंड विल्किंस के भाई हाई एंड स्पीकर्स, आई बटन पे जाके आप सुन सकते हो, मैंने उसको वीडियो डाली हुई है। यहाँ पे आप अपनी सिगरेट जलाओ और एस्ट्रे आपको यहाँ पे दी गई है सो। और यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल एंड अपनी ब्लाइंड भी आप यहाँ से कर सकते हो फोल्ड मैन्युअली। और इसमें आपको भाई पूरा लेदर मिलेगा, प्लास्टिक तो कहीं पर आपको फील ही नहीं होगा कि गाड़ी के अंदर प्लास्टिक है, बस यहाँ पर है थोड़ा सा। और ये आर्मरेस्ट देख लो, यहाँ पर दो कप होल्डर मिल जाएंगे आपको। तो चलो अब इसको यहाँ पे आप देखोगे हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, तीनों एडजस्टेबल एंड ये 7 सीटर वेरिएंट है। और पीछे आपको यहाँ रियर एसी वेंट मिल जाते हैं, स्पीकर मिल जाता है सब वूफर एंड एम्पलीफायर के साथ। और ये है आपकी रियर एसी वेंट। और यहाँ पे आप देखो, ये थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा, सब आप यहाँ पर टच यूनिट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो टेम्परेचर और ब्लोअर की स्पीड वगैरह को। और ये है भाई इसका इंटीरियर, वाह, मतलब कि जो इसका कैबिन की जो फील है ना, वो जहाँ पर आप अगर बैठोगे तभी आपको फील होगी। और ये इसका भाई इतना बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, पीछे भी आपको लाइट्स मिल जाएंगी, आगे भी लाइट्स मिल जाएंगी, लाइट्स की कमी नहीं है। एंड यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट भी मिल जाएगी। सो गाइस, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं आगे चलूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। एसी वेंट देख लो जो कि काम की चीज़ है, पीछे आपको 4 AC वेंट्स मिलते हैं। और ये आपकी जो सीट बेल्ट्स हैं इसको आप एडजस्ट कर सकते हो भाई। इसके स्पीकरों का तो मैं फ़ैन हो गया, 19 स्पीकर मिलते हैं आपको 19। और बावर्स एंड विल्किंस के तो सबको पता ही होगा फिर कि क्या ब्रांड है वो। और यहाँ पे ये देखो रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएगा टच में। और डोर खोलते हैं आप ड्राइवर साइड का, और यहाँ देखोगे पूरा डोर पे यार लेदर ही लेदर लगाया है उन्होंने, जहाँ पे भी टच करोगे तो आपको सॉफ्ट टच ही मिलेगा। ORVM एंड पावर विंडोज़ का कंट्रोल आप यहाँ देख सकते हो। और इसमें आपको मेमोरी फंक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, 3 मेमोरी फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ से कैबिन आप देखो भाई, कितनी तकड़ी यार ये लगती है आपको यहाँ पर। और ये इसके लंबर सपोर्ट एंड सीट को एडजस्ट करने के सारे बटन्स। और यहाँ हेडलाइट लेवलर और बूट खोलने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको स्कफ प्लेट भी विद वाइट इल्यूमिनेशन के साथ मिलेगी, वोल्वो लिखा हुआ है इस पर। चलो अब अंदर चलते हैं भाई, क्योंकि ना स्पेस बहुत कम है। और ये देखो यार इसका भाई, ये बीच में जो इतनी प्यारी वुडन यूज़ की गई है ना, इसका फील ही अलग है यार। ये नेक्सोन वाली नहीं है भाई, या कहीं सोच रहे हो नेक्सोन है, नेक्सोन वाली नहीं है, फील ही इसकी अलग है। सो भाई अब यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। और ये देखो इसका यहाँ से भी बंद हो जाता है, इसमें आपको स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा दी गई है सो इसको भी ऐसे बंद कर देते हैं, देखो कितनी अच्छी लगती है। और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और इसमें आपको मिलती है भाई 10.25 इंचेस की टेस्ला स्टाइल इंफोटेनमेंट स्क्रीन। और ये है भाई आपका, यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो साउंड वगैरह को। और यहाँ फ्रंट में भी आपको सेंटर स्पीकर मिलता है, देखो कितना तकड़ा लगता है यार ये। एंड पूरा लेदर यहाँ पर आपको दिया गया है, IRVM आपका ऑटोमेटिक है, ऑटो डिम हो जाएगा ये रात को। और यहाँ देखो इसकी वैनिटी विद लाइट आपको मिलती है दोनों तरफ में, और यहाँ पर भी तो ऑफ कोर्स मिलेगी, ठीक है। वैनिटी को हम कभी नहीं मिस करेंगे, चाहे 4 करोड़ की कार क्यों ना हमारे सामने, हम वैनिटी आपको ज़रूर दिखाएंगे।
और यहाँ से आपका स्टार्ट होती है भाई गाड़ी, स्टार्ट इंजन स्टॉप बटन एंड ड्राइव मोड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको मल्टी ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक मिल जाएगी ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। एंड आर्मरेस्ट देखो आप, यहाँ डीप आपको स्पेस मिल जाता है उसमें। आपके यहाँ ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे और क्रूज़ कंट्रोल, और यहीं से आप अपने वॉइस कमांड भी दे सकते हो उस गाड़ी को, क्योंकि वॉइस इनबिल्ट फीचर्स के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंड यहाँ देखो भाई इसका एसी वेंट, इस पे भी आपको क्रोम की फिनिश दी गई है। और ये वाइपर के कंट्रोल्स राइट साइड पे आपको मिलेंगे एंड लेफ्ट साइड में आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। और ये है भाई आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो पूरा आपको यहाँ पे डिजिटल मिलता है, एनालॉग यूज़ नहीं किया गया। एंड शुरू में आपको थोड़ी सी झलक भी आई होगी, बट मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ से आपकी फ्यूल मीटर एंड कितनी गाड़ी चली है सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। और भाई अगर आपको सॉन्ग सुनना है ना कोई पंजाबी सॉन्ग, तो मैं आई बटन पे देख लो वहाँ पे सुन सकते हो। और यहाँ से आप अपने 4 जोन आपको इसमें क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, मतलब पीछे की भी आप एडजस्ट कर सकते हो टेम्परेचर वगैरह अपने हिसाब से, और फ्रंट में तो मिलेगा ही। सेफ्टी में आपको यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 360° कैमरा मिलता है और 7 एयरबैग्स मिलते हैं। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।